विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य पर आदिवासी समाज के लोगों द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया। रैली मूंदी नगर के संत बुखारदास बाबा प्रांगण से निकली। वहीं रैली में आदिवासी समाज के युवक वरिष्ठ जन व बड़ी संख्या में मातृशक्ति शामिल हुई। जहां डीजे की धुन पर आदिवासी गीतों पर नृत्य करते हुए रैली आगे बढ़ रही थी, वहीं युवाओं द्वारा नारेबाजी भी की जा रही थी। रैली पूरे मूंदी नगर में भ्रमण करते हुए मूंदी नगर के बस स्टैंड पर संपन्न हुई। साथ ही आदिवासी समाज के लोगों पर हो रहे अत्याचार को लेकर कहा कि प्रशासन से यही मांग है, आदिवासी समाज पर हो रहे अत्याचार अब नहीं होने चाहिए और मणिपुर जैसे मामले अब नहीं होने चाहिए। मैं जगपाल सिंह पटेल, आदिवासी विकास परिषद मध्य प्रदेश महामंत्री। आज विश्व आदिवासी दिवस की पहले तो समस्त क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को, समस्त आदिवासी परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। इस मूंदी शहर में आदिवासी विकास दिवस यात्रा सन 2018 से हमने शुरुआत करी थी कुछ सीमित परिवार के, धीरे धीरे आज ये कार्यक्रम बढ़ता जा रहा है। आज की रैली का माध्यम है संत बुखारदास बाबा, जहाँ पर बिलावल समाज की धर्मशाला बनी हुई, वहाँ से मूंदी बस स्टैंड मार्ग बाबा भीम साहब को माल्यार्पण करते हुए माता चौक से वापस मूंदी नगर में भ्रमण। समस्त शहरवासियों का आशीर्वाद, प्रार्थना, सहयोग, आभार मिल रहा है। जगह जगह स्वागत मंच लगे हुए हैं। यह हमारा सद्भाव यह है कि हमारी पूरे क्षेत्र में, पूरे जिले में आदिवासियों और अन्य समाजों से पूरी एकता बनी रहे, सद्भावपूर्ण रहे। आदिवासियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं वो बंद होना चाहिए। सरकार से निवेदन है, जैसे अभी घटना देखने को मणिपुर में, ऐसी घटना नहीं होना चाहिए। शासन प्रशासन से यही निवेदन है, मांग है कि ऐसे अत्याचार आदिवासियों पर नहीं होना चाहिए। शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं और गांव-गांव हम आदिवासियों को जागरूक सतर्क कर रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसे अत्याचार बंद होना चाहिए। शासन से यही गुजारिश है, निवेदन है। जय आदिवासी, जय आदिवासी, जय जवाहर का नारा है, संघर्ष हमारा नारा है। खंडवा से रोमी सलूजा की रिपोर्ट।